चलिए तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था, जिसका नाम था ओवरी। क्या नाम था? ओवरी। आज हम इस लेक्चर में नेक्स्ट दो पार्ट कवर करेंगे, जिनका नाम है ओविडक्ट यानी के फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले दैट इज फेलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब। तो बच्चों, आपको याद होगा कि फेलोपियन ट्यूब जो है ओवरी से नेक्स्ट पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो फेलोपियन ट्यूब जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। हमने डायग्राम बनाया था कब? जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। ठीक है ना? फेलोपियन ट्यूब को बच्चों, दूसरा नाम क्या है फेलोपियन ट्यूब का? फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। ठीक है, और एक नाम और है बच्चों फेलोपियन ट्यूब का, जिसे हम बोलते हैं यूट्राइन डक्ट। ठीक है ना? यूट्राइन, UTERINE, यूट्राइन डक्ट। ठीक है, तो ये तीन नाम है हमारे किसके? फेलोपियन ट्यूब के, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए मैं अभी पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हमने पहले लेक्चर के अंदर ये बनाया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो फेलोपियन ट्यूब है उसका फंक्शन क्या है, क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट पॉइंट जो उसका बनता है कि ये क्या करती है, ये कन्वे करती है एग को, कहां से लेकर? ओवरी से लेकर किसको देती है? यूट्रस को देती है। ठीक है ना? क्योंकि ओवरी क्या करती है? गैमीट प्रोडक्शन करती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसका? फीमेल्स का। ठीक है ना? तो यानी कि कन्वे द एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट कि सर ये कन्वे करती है एग को कहां से? ओवरी से यूट्रस तक। ठीक है बच्चों, समझ आया? सेकंड पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या करती है बच्चों? फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। हमने पढ़ा बेसिकली, अगर मैं बात करूं फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में, लेकिन उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो पॉइंट हमारा आ गया कि फेलोपियन ट्यूब में हमेशा क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि फेलोपियन ट्यूब जो है एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जो किसके लिए जरूरी है? फर्टिलाइजेशन के लिए। यानी कि इट प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, इट प्रोवाइड, लिखे सेकंड पॉइंट, एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। आपको पता है ना, फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बेबी की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है दैट इज फर्टिलाइजेशन। वो जो एनवायरमेंट चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, वो कहां प्रोवाइड होता है? वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? चलो, उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो आप लिखेंगे, इट इज 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। ठीक है, इट इज 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। अब मस्कुलर से मतलब क्या है आपका? क्योंकि सर ये जो है मसल्स यहां प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग मस्कुलर। सर क्या करती हैं मसल्स? वो हम आगे जब इसका डायग्राम आपको कराएंगे, स्ट्रक्चर आपको कराएंगे, तब बताएंगे। ठीक है, अभी करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द, सबसे पहले मैं लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम बनवाऊंगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करेंगे पार्ट्स के। सर इसके पार्ट्स क्या हैं?
इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए नंबर वन पार्ट्स, पार्ट्स के अंदर नंबर वन पहला जो पार्ट है उसका नाम है बच्चों इनफंडिबुलम। सर क्या पार्ट कोई अलग चीज है? नहीं, हमने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही डिवाइड किया हुआ है। कैसे? हम सब कुछ पढ़ेंगे अभी। नंबर वन इनफंडिबुलम, आई एन एफ यू एन डी आई बी यू एल यू एम, इनफंडिबुलम, आई एन एफ यू एन डी आई बी यू एल यू एम। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? तो आपने यहीं पर याद रखना है कि इनफंडिबुलम के पास क्या होती हैं? इनफंडिबुलम के पास अपने एक प्रोजेक्शंस होती हैं। उन प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? उन प्रोजेक्शन को बच्चों बोलते हैं फिम्ब्री, एफ आई एम बी आर आई ए ई, एफ आई एम बी आर आई ए ई। ठीक है, फिम्ब्री, क्लियर हो गया। और फिर मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में कि फिम्ब्री के जो टिप होता है उस टिप के ऊपर पोर होता है। क्या होता है? पोर। और उस पोर को क्या बोलते हैं? उन पोर्स को क्या बोलते हैं? ओस्टियम, ओस्टिया। क्लियर? क्या होता है? ओस्टिया, ओ एस टी आई ए। ओस्टिया क्या है? पोर, इट इज अ पोर। ये लीजिए, ये तो है पोर और अपर्चर, छेद, और ये क्या है? प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है ना, प्रोजेक्शंस, दैट इज फिम्ब्री। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट दैट इज एम्प्यूला। सेकंड पार्ट क्या है? एम्प्यूला, एम्प्यूला। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है बच्चों, थर्ड इज इस्थमस। थर्ड पार्ट दैट इज इस्थमस, आई एस टी एच एम यू एस, आई एस टी एच एम यू एस, इस्थमस। ठीक है, आई एस टी एच एम यू एस, दैट इज अ थर्ड पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है बच्चों? ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है। चलिए उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट है, दैट इज अवर फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ अवर फेलोपियन ट्यूब, उसको बोलते हैं यूट्रिन पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? यूट्रिन पार्ट, यू टी ई आर आई एन ई, यूट्रिन पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये चार पार्ट हैं बच्चों इसके, क्लियर? तो अब हम डायग्रामेटिक इन चार पार्ट के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है ना, डायग्राम देखना बहुत जरूरी है, वहीं से आपको क्या पता चलेगा, वहीं से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा पार्ट क्या काम करता है, क्या मॉडिफिकेशन है और किस तरह से उसकी शेप है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चार पार्ट हो गए कौन कौन से? इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस और यूट्रिन पार्ट। ठीक है ना, चलिए अब हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि आपने वहां पर कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा था, यहां पर आप एक एक पार्ट का इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। ठीक है, चलिए ये बच्चों क्या है हमारा यूट्रस, ये क्या है? यूट्रस, यूट्रस का हेड पार्ट। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? फंडिक। क्या बोलते हैं? फंडिक या फंडस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर दो कॉर्नर, यूट्रस के दो कॉर्नर, यहां पर फेलोपियन ट्यूब आती है बच्चों, इस तरह से ये आ गई अंदर, ये लो। ठीक है, पेयर होता है फेलोपियन ट्यूब का, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ये लो, यानी कि आपका एक पॉइंट ये भी बनता है, फेलोपियन ट्यूब इज प्रेजेंट इन पेयर, ये लो आ गया। अब यूट्रस के जिस पार्ट में फेलोपियन ट्यूब एंट्री करती है, ये यूट्रस हो गया ना ऐसे, इस तरह से, ये लो। ठीक है, आगे आपको यूट्रस बनाने की अभी जरूरत नहीं है, वो जब हम यूट्रस पढ़ेंगे तब बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है यूट्रस का जहां पर फेलोपियन ट्यूब एंट्री करती है उन्हें बोलते हैं कॉर्नुआ, ये मैं कराऊंगा अभी। ठीक है, तो क्या होता है कि थोड़ी सी बाहर निकल के ये फेलोपियन ट्यूब थोड़ी सी मोटी हो जाती है, ये लो, और मोटी होकर के कहां तक जाती है? ओवरी तक जाती है।
दिख रहा होगा आपको थिक पार्ट, ठीक है, और लास्ट में जाकर के क्या होती है, ये पाम लाइक हमारी हथेली की तरह थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है इस तरह से, ये हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। यहां पर क्या होता है, एक तो होती है बड़ी फिम्बरी, एक तो बड़ी ट्यूब सी दिखाई देती है हमें, और कुछ ये छोटी छोटी प्रोजेक्शंस दिखाई देती है। ये सारी प्रोजेक्शन बच्चों पता क्या होती है, ये सारी की सारी हैं फिम्बरी। क्या है ये फिम्बरी, कौन होती है सारी की सारी, दैट आर फिम्बरी। कैसे मर्जी बना सकते हैं आप, मैंने कहा ना हम आज हर स्ट्रक्चर को बड़ी डिटेल में इलेबोरेट करके बड़ा बड़ा करके देखेंगे। पहले हमने क्या किया था, ये मैं इसलिए बड़े बड़े बना रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आए। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो देखो हमें दिख रहा है कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बड़ा है, बाकी छोटे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है बच्चों। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर ये है ओवरी, दिस इज ओवरी, क्लियर। ठीक है, ये जो ओवरी होती है फेलोपियन ट्यूब की, एक फिम्बरी हमेशा ओवरी के साथ अटैच होती है, एक फिम्बरी यानी कि वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है। जिस फिम्बरी को हम बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी, क्या नाम है इसका, ओवेरियन फिम्बरी। और ये सारी क्या है, सिंपल फिम्बरी, है ना। चलिए हम नाम देते हैं यहां पे इसको, ओवेरियन फिम्बरी, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ओवेरियन फिम्बरी, समझ आ रहा है बच्चों आपको। और ये वाली जो है हमारी, दैट इज सिंपल फिम्बरी, क्लियर। सॉरी ये क्या है, मैं यहां पे मेंशन करता हूं, ठीक है बच्चों, दैट आर द फिम्बरी। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ब्रॉड पाम लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज इनफंडिबुलम, आई एन एफ यू एन डी आई बी यू एल यू एम, इनफंडिबुलम। ठीक है, तो इनफंडिबुलम की जो ये प्रोजेक्शंस हैं, इनको क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। अब समझ आया आपको, इन प्रोजेक्शन की जो टिप है, टिप इन पर एक एक पोर होता है, यहां पर ये पोर होता है, ये दैट दिस इज अ पोर, और इस पोर को क्या बोलते हैं, इस पोर को बोलते हैं बच्चों ओस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया, ये लीजिए ये ओ एस टी आई ए, ओस्टिया, ओस्टियम, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, दैट इज ओस्टिया। समझ आया आपको, ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर जो गैप बच गया बीच में, ये जो गैप होता है इसे बोलते हैं सिलोमिक कैविटी, ठीक है, ये जो गैप यहां पर बच गया, दैट इज सिलोमिक कैविटी, ये सिलोमिक कैविटी है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चला पहला पार्ट, दैट इज इनफंडिबुलम। अब यहां से लेकर के ये जो स्वोलन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज एम्प्यूला। ये क्या है, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एम्प्यूला, सेकेंड पार्ट एम्प्यूला। और ये जो यहां से पतला सा पार्ट हो जाता है, छोटा सा है, इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या है ये, इस्थमस, ठीक है बच्चों, इस्थमस। और ये जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट यूट्रस के अंदर चला गया, ये है यूट्रिन पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यूट्रिन पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। समझ आ गया, तो चार पार्ट हमने पूरे कर लिए, ठीक है। लेकिन अब आपको एक पॉइंट समझना है
जहां पर इस्थमस और एम्प्यूला आकर के मिलते हैं, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन, ठीक है ना, एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया आपको यहां तक? उसके बाद बच्चों, यहां पर इसके पास क्या होता है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है जो इसको अपनी जगह पर पकड़ के रखता है। और बेसिकली ये जो होता है, अभी बताते हैं, दैट इज द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है, दैट इज अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो इसको पकड़ के रखेगा, जिसे हम बोलते हैं मीजोसेल्पिक्स। क्या बोलते हैं? मीजोसेल्पिक्स, MESOSALPINX। क्या बोलते हैं इसे हम? मीजो MESOSALPINX। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था ना, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मीजोवेरियम, वैसे ही यहां पर क्या है? मीजोसेल्पिक्स, ठीक है, MESOSALPINX, क्लियर। और ये यूजुअली जो हमें देखने को मिलता है, ये एम्पुलर रीजन के पास ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, समझ आया आपको? अब इसकी फिजियोलॉजी क्या है सर, ये किस तरह से काम करते हैं? यहां पर ओवरी ने क्या किया, ओवरी ने सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज किया। कौन रिलीज किया? सेकेंडरी ऊसाइट, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है, सबसे पहले कहां आ गया? सिलोमिक कैविटी में आ गया। हाँ, आपको पता है ना कि ओवरी कभी एग रिलीज करती, अरेस्टिंग स्टेज पर रिलीज करती है, जिसे सेकेंडरी ऊसाइट बोलते हैं, ठीक है ना, दैट इज सेकेंडरी ऊसाइट, रिलीज हो गया। अब ये सेकेंडरी ऊसाइट सबसे पहले कहां पर आया? सिलोमिक एपिथेलिया में आया, ठीक है ना। अब बच्चों आपने याद रखना है कि जो ये फिम्ब्री हैं, फिम्ब्री और हमारी जो फेलोपियन ट्यूब या एम्प्यूला कहिए, ये क्या होती है? सीलिएटेड होती है। क्या होती है? लिखेंगे साथ साथ मेरे, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है यहां पर, मैं भी बताऊंगा आपको। ये अंदर की साइड सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। और अभी हमने कहा था कि ओविडक्ट जो है एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो मसल्स हैं, अभी हम बताएंगे आपको, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, हिस्टोलॉजी भी बनाऊंगा। तो आप बच्चों एक छोटा सा पॉइंट नोट करेंगे यहां पर कि जो मसल्स हैं सर, वो क्या करती हैं? मसल्स हैं जो हैं बच्चों, वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन करवाती हैं, ठीक है ना। यहां पर इसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, स्मूथ मसल, ठीक है ना, जो होती है क्या कराती है? पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन पता है ना आपको, एक रेगुलर इंटरवल के बाद कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाना, दैट इज पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन। फेलोपियन ट्यूब जो है, मसल्स हैं उसके अंदर, वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगी, प्लस सिलरी एक्शन, CILIARY, सिलरी मूवमेंट, ठीक है, सिलरी मूवमेंट। ये दो चीजें जो है ना क्या करेंगी, देखो यहां से प्रेशर क्रिएट होएगा, एक बार कॉन्ट्रेक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, जैसे ही रिलैक्सेशन होगी तो ये एग जो है ना, ये सेकेंडरी ऊसाइट जो है, सक कर लिया जाएगा और ये इन ओस्टिया में से निकल करके कहां पहुंच जाएगा? ओस्टिया में से निकल करके कहां आ गया? ये आ गया बच्चों, लो, ठीक है, लो मैं यहां से इसे मिटा रहा हूं, ये यहां ओस्टिया दिखा दिया, ये ओस्टिया में से निकल करके और कहां आ गया? इनफंडिबुलम में आ गया। अब इनके अंदर क्या है? इनके अंदर सारे में सीलियाज लगे हुए हैं सेल्स के अंदर, ठीक है ना, इसके एपिथेलियम में। तो सीलिया प्लस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ये कहां चलना शुरू कर देगा? ये इसी साइड ही मूव करेगा हमेशा। और आपको पता है सीलिया जो होते हैं वो केवल यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ही करवाते हैं, समझ आया ना, सीलियाज जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराते हैं हमेशा।
तो ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो इसी साइड से इस तरफ ही जाएगा। समझ आया बच्चों? ठीक है, चलो ये तो हो गया बच्चों स्ट्रक्चर आपका। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ फेलोपियन ट्यूब के। बेसिकली जो फेलोपियन ट्यूब है वो किस लेयर से बनी हुई है, किस किस लेयर से बनी हुई है। ठीक है, रब कर दें यहां से। चलिए, अगर कोई वर्ड रह भी जाए बच्चों आपका, तो आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपका आता है उसमें से आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब जो बात है बच्चों आपको ध्यान रखना है कि फेलोपियन ट्यूब इज मेड बाय थ्री लेयर्स, तीन लेयर से ये बनी होती है। ठीक है, वो लेयर कौन कौन सी है देखिए। अगर बेसिकली मान लीजिए कि ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो ये तो इसकी दीवारें ही हो गई ये वाली, तो ल्यूमन तो ये हुआ ना जो बीच में खाली है, दैट इज द ल्यूमन। लिखे मैं उल्टा लिख रहा हूं, एल यू एम ई एन, ल्यूमन, सही है ना। तो ये तो पाइप हो गई ना अपनी पूरी कंप्लीट ये वाली, सही है ना, क्लियर है ना। तो ये तो पाइप ही हो गई बच्चों, तो ल्यूमन तो ये हुआ ना। तो ये जो है इसके अंदर तीन लेयर प्रेजेंट होती है। मैं इतना पोर्शन काट रहा हूं, ये काट लिया मैंने साइड से, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गई, तीन लेयर आ गई, ये लीजिए, दैट इज द आउटर, ठीक है, सबसे बाहर वाली आउटर, उसके बाद दिस इज द आउटर लेयर, उसके बाद हमारी कौन आ जाएगी, दैट इज द सेकंड और मिडल लेयर, ठीक है, और उसके बाद कौन आ जाएगी हमारी, दैट इज द थर्ड और इनर लेयर। ठीक है, अब वो इनर लेयर कैसे होगी, देखो सबसे पहले मैं आउटर टू बनाता हूं, ठीक है, किस तरह से, जो आउटर होती है उसको बोलते हैं बच्चों सिरोसा। क्या होती है, सिरोसा। आउटर लेयर का नाम क्या है, सिरोसा, दैट इज सिरोसा, क्लियर है। उसके बाद जो मिडल लेयर है बच्चों, मिडल लेयर में कौन है, मिडल लेयर के अंदर ये जो आपकी मिडल लेयर है इसके अंदर होती है मसल्स, अभी जो हमने बताया था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल, जो क्या करवाती है, ये लीजिए मसल या मस्कुलर, मस्कुलर लेयर क्या होती है, स्मूथ मसल होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं, क्या करवाती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराती हैं या पेरिस्टाल्टिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों हमारी इनर लेयर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे ऐसा नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट तो सारी ही हैं, अपना अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर होती है बच्चों हमारी सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम, नोट करेंगे सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम, ये लीजिए यहां पे, इस तरह से, ठीक है। अब जो सीलिएटेड कोल्यूमनर है, तो उनकी पहचान क्या है, ये सीलियाज होंगे, ये देखो ये सीलिया इनके ऊपर, सही है। तो ये क्या है, सीलियाज। अब बच्चों आपने ध्यान रखना है कि इसके बीच में म्यूकस सिक्रीटिंग सेल भी प्रेजेंट होती है यहां पर, ये कहीं कहीं पर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल, क्योंकि म्यूकस सिक्रीशन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको क्या करना है, मूव करना है, ये होती है म्यूकस सिक्रीटिंग सेल, ठीक है ना। तो ये कौन होगी हमारी, थर्ड लेयर, दैट इज द इनर लेयर, जो कौन है, सीलिएटेड कोल्यूमनर लेयर है, सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम, ठीक है, एपिथीलिया, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड सेल, म्यूकस सिक्रीटिंग, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका, हिस्टोलॉजी ऑफ फेलोपियन ट्यूब। समझ आया बच्चों आपको,
क्लियर। चलिए अब मैं आपको, ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहां पर, लेकिन अब मैं आपको इसके पार्ट, इसके पार्ट्स के बारे में लाइंस लिखवाता हूं, लिखेंगे आप मेरे साथ। पहले तो आप यही मेंशन कर लीजिए एक पॉइंट डाल करके, सीलिएटेड या सीलियाज यूजुअली प्रेजेंट इन एम्पुलरी पोर्शन ओनली। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिख रहे हो ना? यस और नो? चलिए सेजल कंबोज, यस सर। चलिए लिखिए फर्स्ट पॉइंट, यहीं पे मेंशन कर लीजिए डबल डबल एरो लगा करके, सीलियाज आर यूजुअली प्रेजेंट इन एम्पुलरी पोर्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दैट इज इनफंडिबुलम, लिखो फटाफट से, जल्दी जल्दी करो, इनफंडिबुलम। पहला इनफंडिबुलम, बच्चों यूट्रस पूरा नहीं होएगा, जल्दी करो, लिखो, इट इज ब्रॉड, जो पीछे रह जाए आप रिकॉर्डिंग में से भी लिख सकते हैं, इट इज ब्रॉड फनल शेप्ड प्रोक्सिमल पार्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ब्रॉड फनल शेप्ड प्रोक्सिमल पार्ट, इट्स मार्जिन बियर्स मोटाइल फिंगर लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड फिम्ब्री। इसके मार्जिन पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। ठीक है, एंड दीज फिम्ब्री कंटेन पोर, दैट पोर इज कॉल्ड एज ओस्टिया और ओस्टियम। ठीक है, सेकेंड पार्ट एम्प्यूला, सेकेंड पार्ट दैट इज एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द लॉन्ग वाइड थिन वॉल्ड, पतली, THIN। एम्प्यूला इज लॉन्ग वाइड थिन वॉल्ड पोर्शन नेक्स्ट टू इनफंडिबुलम, नेक्स्ट टू इनफंडिबुलम। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो बच्चों, कई जगह आपको लिखा मिलेगा, अगर ऑप्शन में आए फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, अगर लिखा है एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, तो सबसे बढ़िया आंसर है एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन। ठीक है, या अगर कहीं पर एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन नहीं है, खाली एम्प्यूला है, तो आंसर आएगा एम्प्यूला। ठीक है, याद रखना ये। चलो थर्ड पॉइंट, इस्थमस, इट इज वेरी शॉर्ट, ये सबसे छोटी होती है, इट इज वेरी शॉर्ट नैरो थिक वॉल्ड, वो थिन थी, ये क्या है? थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड, स्ट्रेट पार्ट, स्ट्रेट पार्ट दैट फॉलोज एम्प्यूला, दैट फॉलोज एम्प्यूला। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट है यूट्रिन पार्ट, यूट्रिन पार्ट, UTERINE, यूट्रिन पार्ट, इसको लिखो, इट ऑल्सो नैरो एंड पासिस थ्रू द यूट्रिन वॉल एंड कम्युनिकेट विद द यूट्रिन कैविटी और यूट्रस कैविटी, और यूट्रस कैविटी में जाकर के कम्युनिकेट यानी के ओपन्स होते हैं। ठीक है ना, चलिए, और कहां से एंटर करते हैं? वो पोर्शन जहां से ये एंटर करते हैं उसे बोलते हैं कॉर्नुए, CORNUA, क्या बोलते हैं? कॉर्नुए। ठीक है बच्चों, तो यहां हमारा कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर लेक्चर, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूट्रस। तो अगला पार्ट क्या है? यूट्रस। स्टार्ट करें, चलिए फटाफट से मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, दैट इज यूट्रस, यूट्रस को बच्चों वूम्ब भी कहते हैं। ठीक है, वूम्ब कहते हैं, और एक वर्ड और है इसके लिए, एक नाम और है, हिस्ट्रिया, HYSTERA, हिस्ट्रा, HYSTERA
T-E-R-A, ठीक है ना। ये तीन नाम है यूट्रस के। अब लिखेंगे क्या है बच्चों ये, इट इज लार्ज पायरीफॉर्म, PYRIFORM, पायरीफॉर्म हाईली इलास्टिक सैक, ठीक है। क्या करता है, स्पेशलाइज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सैक माने थैला, स्पेशलाइज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होती है, ठीक है, इसीलिए इसे वूम्ब कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आज के बाद आपने ये नहीं बोलना कि बेबी जो है मदर के पेट में पलता है, नहीं, यूट्रस में पलता है, ठीक है, जिसे हम वूम्ब बोलते हैं, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये कहां है, इट इज लोकेटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में होता है, एंड रेक्टम, और एक प्रॉपर्टी है एंटी फ्लेक्स्ड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इन्हीं के बेस पे होती है, वो मैं लेक्चर खत्म होने पे बताऊंगा आपको। आपने लिखना इट इज प्रेजेंट बिटवीन, कंप्लीट लिखना है, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, कैसे होता है वो मैं आपको कराऊंगा एंड में। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अटैच होता है, लिखिए अटैच टू बॉडी वॉल बाय अटैच टू बॉडी वॉल बाय वही डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोमेट्रियम। क्या है ये, मीजो MESOMETRIUM, मीजोमेट्रियम, ठीक है बच्चों, मीजोमेट्रियम। और ये क्या होते हैं मीजोमेट्रियम, ये राउंड लिगामेंट होते हैं, क्या होते हैं, दीज आर द राउंड लिगामेंट, ठीक है। ये हम डायग्राम में सब कुछ क्लियर करेंगे, बस अभी पहले आप लिखिए, ठीक है। अब लिखिए साइज, साइज जो होता है बच्चों इसका वेरी करता है, साइज जो है इट वेरीज इन साइज। क्यों सर, देखो अगर किसी लेडी ने अभी तक किसी बेबी को बर्थ नहीं दिया, यानी कि किसी बेबी को पैदा नहीं किया, उसको बोलते हैं न्यूली पेरस वुमेन, NULL, अब मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना, न्यूली पेरस वुमेन। और जो दो या दो से ज्यादा बेबी को पैदा कर चुकी होती है उसको बोलते हैं मल्टी पेरस वुमेन। अब न्यूली पेरस वुमेन के अंदर इसका साइज छोटा होता है और मल्टी पेरस वुमेन के अंदर इसका साइज बड़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि इलास्टिक है ना, जैसे हम किसी रबड़ बैंड को बार बार इलास्टिक बार बार खोलते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता, फिर वो लूज हो जाता है, इसीलिए उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, मल्टी पेरस वुमेन के अंदर, ठीक है। लेकिन जो लेडी ज्यादा लंबे टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं तो इसका साइज दोबारा से फिर श्रिंक हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है ना, यूट्रस का, इसीलिए इसका साइज वेरी करता है। लेकिन हम मल्टी पेरस वुमेन का साइज यहां पर कंसिडर करेंगे, सॉरी न्यूली पेरस वुमेन का। तो आप लिखेंगे इन न्यूली पेरस, NULLIPAROUS, पेरस वुमन, नली पेरस, न्यूली पेरस वुमेन के अंदर इसका साइज कितना होता है, लिखेंगे आप नियर अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक, और 2 सेंटीमीटर जो होता है थिक होता है, ठीक है। ये हमारा साइज है किसके अंदर, न्यूली पेरस वुमेन के अंदर, जो चेंज करेगा किसमें, आफ्टर बर्थ और आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। चलिए आप यहीं पे मेंशन कर सकते हैं इट इज लार्जर इन मल्टी पेरस वुमेन, नोट कर दीजिए, बट लार्जर इन मल्टी पेरस वुमेन, ठीक है बच्चों, क्लियर।
8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर है ये। और क्या है, लार्जर इन मल्टीपेरस वुमेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इसका वेट, इसका वेट कितना होता है, नियर अबाउट 82 100 ग्राम इसका वेट होता है, 82 100 ग्राम, ठीक है, कर लिया नोट, 82 100 ग्राम इसका वेट होता है। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में आपको 5-6 लाइनें लिखवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इनवर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, ये उल्टी पियर की तरह होता है क्योंकि ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला होता है, ठीक है ना, इनवर्टेड INVERTED इनवर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इनवर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए लिख लिया आपने यहां तक, अब लिखिए पार्ट्स ऑफ यूट्रस, फिर ताकि आपको पहले मैं लिखवा दूंगा ना तो आपको बाद में जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो आपको सारे पार्ट समझ आएंगे कि सर ने क्या क्या बताया था। लिखिए पार्ट्स ऑफ यूट्रस, ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट नंबर वन, बच्चों विजिबिलिटी क्लियर है ना, पार्ट्स, ठीक है, नंबर वन पहला पार्ट क्या है, दैट इज फंडस, और कहीं जगह इसको फंडिक भी लिखा मिलेगा, FUNDUS फंडस, लिखेंगे आप फंडस के बारे में, अपर वाइड डोम शेप्ड पार्ट, इसे हेड भी बोलते हैं, फंडस इज अपर वाइड एंड डोम शेप, अपर वाइड चौड़ा होता है एंड डोम पतीले की तरह शेप पार्ट होता है, हेड भी बोल दो इसको, ऑल्सो कॉल्ड एज हेड, फंडस को फंडिक भी लिखा आ सकता है कहीं पे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, FUNDIC एक ही बात है, कुछ नहीं, ठीक है ना, दैट इज फंडिक, ठीक है। सेकंड पोर्शन दैट इज कॉर्नुआ, CORNUA कॉर्नुआ, ठीक है ना, CORNUA कॉर्नुआ क्या होता है, अपर कॉर्नर वेयर ओविडक्ट एंटर्स यूट्रस, लिखो अपर कॉर्नर, अपर साइड पे दो कॉर्नर वाला पोर्शन जहां से ओविडक्ट एंटर करती है यूट्रस के अंदर, अपर कॉर्नर्स वेयर क्या एंटर करेगी, वेयर ओविडक्ट डक्ट एंटर्स द यूट्रस, जहां से यूट्रस के अंदर ओविडक्ट एंट्री करती है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ बोलते हैं। तीसरा पार्ट कॉर्पस, ठीक है ना, कॉर्पस होती है मेन बॉडी ऑफ यूट्रस, मेन बॉडी ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं, कॉर्पस बोलते हैं, इसका दूसरा नाम बॉडी भी है, और ये मिडल और लार्ज होती है, मिडल एंड लार्ज बॉडी, क्लियर है बच्चों, मिडल लार्ज बॉडी। अब फोर्थ जो पार्ट है दैट इज सर्विक्स, ठीक है बच्चों, क्लियर। यहां हम सिंपल लिखेंगे, जब डायग्राम बनाएंगे ना तो इसमें कुछ पॉइंट्स भी ऐड, चलिए आप यही लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज लोअर नैरो एंड प्रोजेक्ट्स इनटू द वेजिना, और वेजिना के अंदर प्रोजेक्टेड होता है इन वेजिना, जो वेजिना क्यूब है हमारी
उसके अंदर ये प्रोजेक्टेड होता है, अंदर की तरफ निकला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। इसको हम नेक ऑफ द यूट्रस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स को नेक ऑफ द, नेक ऑफ यूट्रस, ठीक है ना, नेक ऑफ यूट्रस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके बारे में। बच्चों हमने डायग्राम जब बनाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसमें इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस के बारे में बताया था, और बीच में कैनाल बताई थी, दैट इज अ सर्विकल कैनाल बताई थी ना, उसी के बारे में लिखना है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, सर्विक्स कम्युनिकेट्स, लिखिए सर्विक्स कम्युनिकेट विद द बॉडी ऑफ यूट्रस, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है ना, कि सर्विक्स बताइए यूट्रस से कैसे कनेक्टेड है, कम्युनिकेट करती है, और वेजिना से कैसे करती है, क्वेश्चन आ सकता है ये। लिखिए सर्विक्स कम्युनिकेट्स विद द बॉडी ऑफ यूट्रस बाय एन अपर्चर, एक अपर्चर के थ्रू कम्युनिकेट करती है, जिस अपर्चर को क्या कहते हैं, कॉल्ड एज इंटरनल ओस। क्या बोलते हैं? इंटरनल ओस, मैं यहां लिख रहा हूं INTERNAL, इंटरनल ओस, OS, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करती है किससे, यूट्रस की बॉडी से, यूट्रस से, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए इंटरनल ओस, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सर्विक्स कम्युनिकेट्स विद वेजिना। अब ये सर्विक्स जो है वेजिना से कम्युनिकेट भी करता है बाय एन ओपनिंग, एक ओपनिंग है, कॉल्ड एज एक्सटर्नल ओस, बाहर की साइड वाला ओस, एक्सटर्नल ओस, ठीक है बच्चों, समझ आया। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि आपने क्या क्या लिखा, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस, और थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, अब थर्ड पॉइंट, कैविटी बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओस। अब जो एक्सटर्नल और इंटरनल ओस के बीच में कैविटी है, कैविटी बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओस इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। थर्ड पॉइंट, दैट इज CERVICAL, सर्विकल कैनाल। अभी आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, सर्विकल कैनाल, ठीक है ना। सर्विकल कैनाल जो होती है बच्चों, उसके लिए पहला पॉइंट, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। उसके बाद इसके पास ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट, यहां पर ग्लैंड्स होती हैं, और वो ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट प्रोटेक्टिव म्यूकस प्लग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दीज ग्लैंड सिक्रीट्स म्यूकस प्लग, सिक्रीट्स प्रोटेक्टिव म्यूकस प्लग। अभी क्यों है सर ये बताता हूं मैं, प्रोटेक्टिव म्यूकस प्लग प्लग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में या प्रेगनेंसी पीरियड में, चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग फेजेस में इस सिक्रीशन की अमाउंट अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब सर क्या होता है कि बेबी जो है यूट्रस के अंदर है, चलिए वो डायग्राम के साथ हम कवर करेंगे उस पोर्शन को, तो ये आपको समझ आया सारा, ये यूट्रस के बारे में थ्योरी थी। अब आप मेरे साथ यूट्रस का डायग्राम बनाएंगे, सभी पोर्शन को लेबल करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि यूट्रस है कहां पर, किस तरह से प्रेजेंट, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं यूट्रस, आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए टाइम कितना हो गया, अभी है हमारे पास 10 मिनट है। चलिए तो अब हम बात करते हैं बच्चों यूट्रस की। देखिए हमने ये यूट्रस बनाया था इस तरह से, ठीक है, यूट्रस के अंदर ये हमारे पास क्या आई थी, फेलोपियन ट्यूब आई थी, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है बच्चों, और
ये जो यूट्रस था नीचे जा करके हमारा पतला हो गया था, जिसे हमने इन्वर्टेड पियर शेप जिस वजह से कहा था, ठीक है। ये सर्विक्स पार्ट है। देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको समझाता हूं, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, फिर कैनाल हो गई और फिर पोर लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां से ये इसकी क्या हो गई, वॉल्स ऑफ द यूट्रस हो गई, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, दैट इज अ यूट्रिन वॉल। ये लीजिए बच्चों, ठीक है, दैट इज अ कैविटी, यूट्रस की कैविटी है, ठीक है। ये जो है ये पोर्शन देखिए यहां पर, चलिए हम नाम लेते हैं पहले, ये बच्चों यहां पर दैट इज द फंडक पार्ट, FUNDIC, फंडिकोर फंडस, ठीक है, दैट इज द ओविडक। तो ओविडक जिस एरिया में एंटर करती है उस एरिया को क्या बोलते हैं, कॉर्नुए, याद है ना, CORNUA, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद यहां से बच्चों आपको याद है ना वेजाइना शुरू हो गई थी हमारी, ठीक है ना, और ये पार्ट मैंने बताया था फोर्निक्स के नाम से आपको बताया था, याद होगा ना। चलिए अभी हम यूट्रस पढ़ेंगे, हमें वेजाइना से कोई मतलब नहीं है अभी, चलिए। तो उसके बाद बच्चों ये जो पोर्शन है दैट इज द कॉर्पस, यानी कि बॉडी, ठीक है, आपको समझ आया, कॉर्पस दैट इज बॉडी। अब कॉर्पस के बाद जो हमारा ये पोर्शन है यहां वाला, दिस वन, ठीक है ना, दैट इज द, चलिए मैं वेजिना को हटा देता हूं यहां से, दिस वन दैट इज द सर्विक्स। तो चार पार्ट थे, एक दो तीन चार, चारों पार्ट पूरे हो गए, दैट इज द सर्विक्स। अब बच्चों देखो ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये वाला दैट इज द, हम ब्लू कलर से हाईलाइट करते हैं, दिस वन, ये जो है ये लीजिए, दैट इज द इंटरनल ओस, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल ओस, ठीक है, और ये दोनों के बीच में जो ये पाइप है दैट इज अ कैनाल, ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज द सर्विकल कैनाल, ठीक है। अब बेबी जो है बच्चों इसकी लेयर के अंदर होता है, तो लेयर यहां तक आ जाती है, अब म्यूकस सिक्रीट होता है और एंटी फ्लक्स जो होता है वो इसको कवर कर देता है, बंद कर देता है। देखिए 3 से 4 किलो का बेबी और 2 से 3 लीटर तक एमनियोटिक फ्लूइड, तो 6 से 7 किलो यहां पर वेट हो जाता है टोटल, ठीक है ना, यूट्रस के अंदर। और इसका जो ओपनिंग है वो नीचे की साइड है, यानी कि उल्टे मटके की तरह है, उल्टी पियर की तरह है, तो निकल जाना चाहिए ना, ये ऐसे नहीं निकलता, क्यों, क्योंकि ये जो है यहां पर बहुत अच्छे हमारा मैकेनिज्म है होल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग, जो यूट्रस की वॉल की कॉन्ट्रेक्शन से ही ऐसा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे जब हम पार्चुरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब जो समझने वाली बात है वो क्या है बच्चों, कि इसकी जो अटैचमेंट थी, ये देखो जैसे कि हमारी ओवरी की उसकी फेलोपियन ट्यूब और ओवरी की अटैचमेंट डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, वैसे ही इसकी भी अटैचमेंट होती है बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। और उसका नाम क्या था, अभी हमने राउंड लिगामेंट पढ़ा था कि उसके अंदर राउंड लिगामेंट होते हैं, क्या नाम था बच्चों उसका बताइए, मीजोमेट्रियम, क्या नाम था, दैट इज मीजोमेट्रियम, मीजो, ठीक है, मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम किसका बना हुआ था, राउंड लिगामेंट, क्लियर है बच्चों, दैट इज मीजोमेट्रियम, समझ आ गया आपको। अब जो आपने इसमें एक वर्ड याद रखना है वो क्या है, देखिए ये सर्विक्स है, ठीक है ना, सर्विक्स पोर्शन का जो लोअर पार्ट है, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर पार्ट ऑफ, लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स जो है वो किसका बना होता है,
उसमें होती हैं बच्चों यहां पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलिया, जो हाईली ग्लैंडुलर होती हैं, बहुत ज्यादा सिक्रेटरी इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, SQUAMOUS, स्क्वेमस एपिथीलिया। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? यानी कि जो लोअर पार्ट है सर्विक्स का, वो किसका बना होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलिया वहां पर होता है बना हुआ, सॉरी इनर लाइनिंग बाय, ठीक है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलिया। और लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स को छोड़ करके जितना भी पोर्शन प्रेजेंट है उसमें हमारी होती है सिंपल कोल्यूमनर एपिथीलिया। चलिए मैं यहां मेंशन कर देता हूं, बाकी सारे पार्ट में क्या होती है? सिंपल कोल्यूमनर एपिथीलिया। यही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, ठीक है? ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, समझ आया आपको? तो ये था बच्चों आपका डायग्राम यूट्रस के लिए। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं एंटीफ्लेक्सोन या एंटीफ्लेक्स्ड कंडीशन क्या होती है, ठीक है? ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अभी एक डायग्राम और बनेगा, किसके लिए? हिस्टोलॉजी और यूट्रिन वॉल के लिए। 10 मिनट का हमारा टॉपिक बचा है अभी, समझ आ गया आपको डायग्राम यूट्रस का? चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, हमने कहा था यूट्रस इज प्रेजेंट बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, पढ़ा था ना हमने। चलिए तो ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर है, ट्राइगन की शेप में होता है, ये देखो, दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यू बी दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है बच्चों। चलिए अब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कौन होता है हमारा? दैट इज द यूट्रस। इस तरह से, और ये पाइप नीचे बेंड करके मुड़ करके जाती है, दैट इज वेजिना। ये क्या है? वेजिना। और ये क्या है? यूट्रस। उल्टा हो गया, टेढ़ा हो गया ना, दैट इज द यूट्रस। ये लीजिए यूट्रस, यू लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके ऊपर होता है बच्चों कौन? रेक्टम। कौन होती है? रेक्टम। ये लीजिए, इसके ऊपर होती है प्रेजेंस में रेक्टम। तो अगर ये रेक्टम है तो ये पोर क्या होएगा? दैट इज एनस, ठीक है, एनस। ये कौन है? रेक्टम। आर, ठीक है ना, रेक्टम हो गया। और रेक्टम के ऊपर अगर मैं और आपको अच्छा बताऊं तो प्रेजेंट होती है हमारी क्या? सैक्रम, यानी कि वर्टिबल बोन का पार्ट, है ना, दैट इज द, यहां से आता है इस तरह से सैक्रम रीजन, और वर्टिबल, ये देखिए, दैट इज द सैक्रम। ये पोर्शन क्या है? सैक्रम, ठीक है। अब ये जो टिल्टेड कंडीशन है, ये जो टेढ़ी कंडीशन है, दबी हुई कंडीशन है, इसको बोलते हैं, दैट इज अ वेजिना। ये क्या है? वेजिना। इस कंडीशन को बोलते हैं एंटीफ्लेक्स्ड, लिखिए ANTIFLEXION, एंटीफ्लेक्सोन, ठीक है ना। जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि इस तरह से प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टिल्टेड होता है, और जिसकी वजह से हमारा जो बेबी को होल्ड करने का जो प्रोसीजर है बड़े अच्छे से फॉलो होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फिजियोलॉजी पे फर्क नहीं पड़ता, नो डाउट, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत होती है अगर एंटीफ्लेक्सोन कंडीशन ना हो। तो इसके लिए लिखिए पोजिशन ऑफ यूट्रस इज एंटीफ्लेक्स्ड, पोजिशन ऑफ यूट्रस इज एंटीफ्लेक्स्ड,
एंटीफ्लेक्स, ठीक है ना। दूसरा जो नाम है बच्चों वो एक वर्ड और यूज होता है यहाँ पे, रेट्रोफ्लेक्सन, RETRO, रेट्रोफ्लेक्सन, FLEXION, रेट्रोफ्लेक्सन। ये क्या होता है रेट्रोफ्लेक्सन? ये जो टिल्टेड है ना, ये टिल्टनेस है, जो तिरछापन है, टेढ़ापन है, ये थोड़ा सा कम होता है और यूट्रस थोड़ा सा सीधा होता है, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फीमेल को, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, समझ आ गया। लेकिन ये नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल और नॉर्मल कंडीशन आप बोल सकते हो, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, एंटीफ्लेक्सोन, यानी कि टेढ़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि होल्ड कर सके, होल्ड करने में आसानी हो, किसको, हैवी वेट बेबी और एमनियोटिक फ्लूइड जो भरा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आज का, लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है यूट्रिन वॉल्स, यूट्रिन वॉल, ठीक है ना। आप इसे हिस्टोलॉजी भी बोल सकते हैं, आप इसे लेयर्स प्रेजेंट इन द यूट्रस भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो उसके लिए मैं आपको ना यूट्रस का एक बढ़िया सा डायग्राम बना करके दिखाता हूं, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, बड़ा बन गया। हम लेयर को दिखाने के लिए कैविटी को जानबूझ के छोटा कर रहे हैं और इसकी वॉल को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसकी वॉल को बड़ा कर देंगे, ये लो, ठीक है बच्चों, दैट इज यूट्रस। तो ये यूट्रस की कैविटी हुई जो हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये यूट्रस की लेयर हुई, ठीक है ना। अब आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे, आप देख लें, बाद में आप ड्रॉ कर लें रिकॉर्डिंग से, आपकी मर्जी। चलिए तो ये जो है यूट्रस की वॉल है, यहां तक अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। ये बच्चों क्या है, यूट्रस की वॉल है बच्चों। आप, हमारा टाइम हो गया है, लेकिन मैं 5-7 मिनट और लूंगा आपकी, जिससे कि हमारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो यूट्रस की जो लेयर है वो, या यूट्रस की जो वॉल है वो 3 लेयर से बनी होती है। देखो हम बड़ा आसान तरीके से यहां पे करेंगे, दैट इज द आउटर लेयर, ठीक है, दैट इज द मिडल लेयर एंड दैट इज द इनर लेयर, सही है ना, बिल्कुल सही हो गया, डिवाइडेंस हो गई ना हमारी। चलिए तो जो हमारी आउटर लेयर है, पहले तो हम इसका नाम लिखते हैं, फिर मिडल लेयर और फिर हमारी इनर लेयर, सही है, 3 लेयर हो गई। तो आउटर लेयर का जो नाम है बच्चों वो क्या है, पता है आपको, बताइए, इनर लेयर का नाम बताइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी वो कौन सी होती है, वो हमारी होती है इनर लेयर। आउटर लेयर का नाम लिखो बच्चों, दैट इज द पेरीमीट्रियम, आउटर लेयर दैट इज पेरीमीट्रियम, ठीक है। सेकंड लेयर जो है बच्चों दैट इज द मायोमीट्रियम, मायो माने मसल्स, यानी कि मसल की बनी हुई, मायोमीट्रियम, ठीक है बच्चों, मायोमीट्रियम। और जो इनर लेयर है वो है हमारी एंडोमीट्रियम, क्या है, एंडोमीट्रियम, ठीक है। अब जो मायोमीट्रियम है वो किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल की, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स यहां पर मायोमीट्रियम के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, आपने मायोमीट्रियम को कंसीडर करना है, स्मूथ मसल की बनी होती है और कॉन्ट्रेक्शन
डिलीवरी के टाइम पर यही मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रेक्शन करती हैं ताकि बेबी जो है बाहर आ जाए। ठीक है बच्चों, दैट इज द मायोमीट्रियम। ठीक है, और जो थर्ड लेयर है, इनर लेयर है हमारी, उसका नाम है बच्चों एंडोमीट्रियम। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है एंडोमीट्रियम। ऐसा नहीं है कि मसल्स का काम नहीं है, उनका काम नहीं है, सबका काम है, लेकिन जो बेबी है वो कहां ग्रो करता है, हमेशा एंडोमीट्रियम में ग्रो करता है, इसीलिए मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, यहां से ये जो लेयर है हमारी, दैट इज ये यहां से लेकर के यहां तक, ये एंडोमीट्रियम है। ठीक है, अब बच्चों आपने एंडोमीट्रियम की ना अगर कहीं पढ़ने को मिलेंगी, दो लेयर पढ़ने को मिलेंगी, एक का नाम होगा जोना कॉम्पैक्ट, सॉरी स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है ना, या फंक्शनल लेयर, और एक का नाम होगा आपका सेकंड लेयर दैट इज स्ट्रेटम बेसिलिस। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो लेयर है उसमें चेंज क्या आता है। देखिए, जब बेबी की ग्रोथ होगी तब क्या होगा, एंडोमीट्रियम इज हाईली वेस्कुलर, ये मैं ब्लड वेसल की फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूं, इट इज हाईली वेस्कुलर, और जब बेबी यहां पे ग्रो करेगा तो नरिशमेंट के लिए ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर हाईली ग्लैंडुलर, बहुत ज्यादा ग्लैंड्स यहां पर ग्रो कर जाती है, इसीलिए मैं इनको लिख रहा हूं दैट इज अ वेस्कुलर। आपको समझ लेना है कि वेस्कुलर होती है, और ये जो है हमारी दैट इज ग्लैंडुलर, यानी कि ये ग्लैंड्स हैं जिनकी डेवलपमेंट हुई। अब बच्चों जो हमारा कॉन्सेप्ट है लेयर ऑफ एंडोमीट्रियम, हम अक्सर ना दो लेयर पढ़ते हैं, किसकी, एंडोमीट्रियम की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये यहां से यहां एंडोमीट्रियम है, ये लो ये एंडोमीट्रियम है, तो बेसिकली इसके अंदर तीन लेयर होती हैं। बेसिकली क्या होती है, तीन लेयर होती हैं। देखो मैं यहां बना रहा हूं, ये लीजिए, दिखाई दे रहा है क्लियर, ठीक है ना, ये लो, और थर्ड लेयर ये रही। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो चलिए हम इन तीनों का नाम लिखते हैं। ये जो सबसे इनर वाली लेयर है, सबसे इनर ये वाली, दैट इज द जोना कॉम्पैक्टा, और इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट लेयर, जोना कॉम्पैक्टा, ZONA, जोना COMPECTA, जोना कॉम्पैक्टा, कॉम्पैक्ट लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर। ठीक है, और जो ये बीच वाली है इसे बोलते हैं जोना स्पॉन्जियोसम, क्या बोलते हैं, जोना स्पॉन्जियोसम, क्या बोलते हैं, जोना स्पॉन्जियोसम, और स्पॉन्जी लेयर, SPONGY, स्पॉन्जी लेयर। ठीक है बच्चों, और जो ये हमारी थर्ड लेयर है, ये वाली, ये जो ऊपर अपर लेयर है, वो क्या है, उसका नाम है बच्चों जोना बेसिलिस। क्या नाम है, जोना बेसिलिस, ठीक है ना, इसे बेसिलिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, जोना बेसिलिस, यानी कि बेसल लेयर, यानी कि क्या है ये, बेसल लेयर, ठीक है ना, बेसल लेयर। समझ आ गया बच्चों आपको, ये तीन लेयर हैं। लेकिन सर अभी आपने बताया था कि यूट्रस की जो एंडोमीट्रियम है उसकी दो लेयर होती हैं, कौन कौन सी, मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज द एंडोमीट्रियम को मैं ई लिख रहा हूं, एंडोमीट्रियम की दो लेयर होती हैं, दो, कौन कौन सी, एक का नाम है बच्चों जिसे हमने जोना बेसिलिस कहा, उसका नाम है स्ट्रेटम बेसिलिस, STRATUM, स्ट्रेटम बेसिलिस, BASILIS, बेसिलिस, और पहली जो, ये जो दूसरी लेयर है हमारी, उसका नाम है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, फंक्शनलिस, फंक्शनल लेयर, यानी कि फंक्शनल, FUNCTI, FUNCTI NALIS, फंक्शनलिस, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों लेयर मिलकर के फंक्शनलिस बनाती हैं, कौन कौन सी,
नंबर वन कॉम्पैक्ट लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर प्लस कौन सी स्पॉन्जी लेयर, SPONGY स्पॉन्जी लेयर। तो देखो बच्चों हम कहां रुके हुए थे, हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर हमारी तीन लेयर है ना, यूट्रस के अंदर हमारी तीन लेयर है, कौन कौन सी, सबसे पहली मायोमेट्रियम, फिर हमारी सॉरी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, क्लियर। अब ये तो चलो आउटर हो गई, लेकिन हम बात कर रहे थे एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर बेसिकली हम हर जगह बुक्स के अंदर आपको ना दो लेयर लिखी मिलेंगी हर जगह, उसका नाम क्या है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है ना, क्लियर। वो दो लेयर जो है वो ऐसे नहीं होती कि सिंपल दो लेयर होती है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये देखिए ये हमारा एंडोमेट्रियम का पार्ट था, सबसे बाहर वाली जो लाइंस है, और उसके बाद हमने ये बाहर वाली जो लेयर है दैट इज द जोना बेसिलिस, और जो अंदर वाली है दैट इज द जोना स्पॉन्जियोसम, दूसरी कौन सी है, जोना स्पॉन्जियोसम, और तीसरा है जोना कॉम्पैक्टा। बच्चों आप इसके ना नाम भूल सकते हो, आप इनको पता कैसे याद रखो, आप याद रखो कि सर ये तो कॉम्पैक्ट लेयर होती है, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, टाइटली पैक्ड, सही है ना, दैट इज कॉम्पैक्ट लेयर थर्ड वन, ठीक है ना। मैं यहीं पे जानबूझ के आपको क्या कर रहा हूँ, सीएल लिख रहा हूँ, सीएल इज द कॉम्पैक्ट लेयर, ठीक है ना। पहचान क्या रखनी है कि बच्चों ये सबसे अंदर वाली होती है, सबसे इनर होती है, यानी कि जो यूट्रस की कैविटी को टच करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है सेकंड वन दैट इज द स्पॉन्जी लेयर, इसको मैं लिख रहा हूं SL, स्पॉन्जी लेयर। स्पॉन्जी क्या होती है, स्पंज क्या होता है, जिसके अंदर एयर कैविटी होती है, ठीक है ना, हल्की सेल्स जो है कहीं कहीं पे अरेंज होती हैं, ठीक है। और तीसरी जो लेयर थी दैट इज द बेसल लेयर, ठीक है। जो मेजर पॉइंट है, जो यहां पर हमारी वीडियो बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, आप लोग आउट हो गए थे, तो यहां से आपने शुरू करना है, ठीक है। क्या है देखो, कॉम्पैक्ट लेयर यानी कि जोना कॉम्पैक्टा या कॉम्पैक्ट लेयर प्लस स्पॉन्जी लेयर यानी कि जोना स्पॉन्जियोसम, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, फंक्शनल लेयर बनाती हैं, क्या बनाती हैं, फंक्शनल लेयर, ठीक है। और फंक्शनल लेयर है कौन सी, फंक्शनल लेयर को हमने यहां मेंशन किया कि जो ये एंडोमेट्रियम है, मैंने ई से इसको रिप्रेजेंट कर दिया खाली, दैट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर दो लेयर थी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और दूसरी क्या थी, स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है। तो ये फंक्शनल लेयर जो है बच्चों, ये दो लेयर से मिलके बनती है, कौन कौन सी, कॉम्पैक्टा लेयर और स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। अब सर इसे फंक्शनल क्यों कहा, आप ये बताइए। चलिए अगर मैं इन सबको यहां से हटा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये दोनों लेयर है ना, ये दोनों कौन सी है, फंक्शनल लेयर। सर फंक्शनल से क्या मतलब है आपका, यहां बताइए। देखो क्या होता है, आपका एक टॉपिक है, What happen if egg is not fertilized? अगर egg fertilized नहीं होगा तो क्या होगा, अगर egg fertilized नहीं होगा तो female के अंदर menstrual cycle proceed करेगी, है ना, तो menstrual flow हो जाएगा, degenerated egg बाहर आएगा। लेकिन जो menstrual flow है ना, जो female body से बाहर निकलता है, वो कभी भी खाली egg नहीं होता। Egg के साथ साथ ये blood vessel जिसको आपने vascular layer लिखा, ये gland cell जिसको आपने glandular portion लिखा, ये दोनों layer टूट करके बाहर आ जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, नंबर वन ब्लड, नंबर टू ब्लड वेसल, एंड नंबर थ्री दैट इज अ म्यूकस, है ना, म्यूकस इन ग्लैंड से आया था, सही बात है ना। तो जो मेजर पॉइंट है बच्चों, जो हमारा आज का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, देखो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है क्या करने के लिए, कंसीव करने के लिए। इन या हम बोल सकते हैं इन एवरी मंथ यूट्रस प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है, एंड फॉर दिस पर्पस द वॉल ऑफ द यूट्रस थिक एंड स्पॉन्जी। बोलते हैं ना कि यूट्रस की लेयर हर महीने थिक हो जाएगी और स्पॉन्जी हो जाएगी, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वो क्या होगी, स्लोट ऑफ, ठीक है ना, वो क्या करेगी, डीजनरेट करेगी, रप्चर हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी। तो मेजर पॉइंट ये है बच्चों, जो बाहर निकलती है सर वो कौन सी है, दैट इज द फंक्शनल लेयर, नॉट ऑफ द बेसिलस लेयर, ये कभी बाहर नहीं आती। दोनों की दोनों किसकी लेयर है, एंडोमेट्रियम की। ये देखिए
ये एंडोमेट्रियल लीजिए, मैं लाइन लगा देता हूं, ये लो, ठीक है। एक लेयर ये हो गई, दैट इज अ बैसिलस, और दो लेयर हमारी ये हो गई, कौन कौन सी, कॉम्पैक्टा लेयर और स्पॉन्जियोसम। लेकिन इन दोनों को क्या कहा गया, इन दोनों को फंक्शनल लेयर कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी फॉर्मेशन एवरी मंथ होती है, हर मंथ में इनकी फॉर्मेशन होती है, और यही वो दो लेयर हैं जो बेबी की ग्रोथ करवाती है। समझ आया, हम अभी पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि बेबी यहां पे ग्रो करेगा, यहां पे ग्रोथ करेगा बेबी, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि आपने बच्चों लिखना है, नोट करना है, लिखेंगे आप, फंक्शनल लेयर इज लॉस्ट इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, फंक्शनल लेयर इज लॉस्ट और डीजेनरेट इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ आ रहा है बच्चों, क्लियर, सभी हैं यहाँ पे, ओके, आ गए हैं सभी, आ गए हैं 12 बच्चे आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लिखो, नोट करो, फंक्शनल लेयर इज लॉस्ट इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर, बट बेसल लेयर नॉट लॉस्ट। बेसल लेयर जो है वो कभी भी डीजेनरेट नहीं होती, बेसल लेयर यहीं पर रहती है, और ये दोनों लेयर डीजेनरेट होकर के रप्चर्ड एग के साथ फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, किसकी फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में। समझ आया आपको, इसमें आपने मार्क करना है कि फंक्शनल लेयर हर महीने बनती है और बैसिलिस लेयर हर महीने नहीं बनती, ठीक है। चलिए, और आज का बच्चों लास्ट पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, उसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, आज की क्लास खत्म हो जाएगी। एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उसकी लाइनिंग कैसी होती है, चलिए मैं यहाँ पे एंडोमेट्रियम का ई लिख देता हूं, दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है बच्चों, एंडोमेट्रियम में सबसे फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, दैट इज द एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम जो है एक एपिथेलियल लाइनिंग है, किसकी, यूट्रस की, क्लियर, सबसे अंदर है ना, अंदर की साइड है, देखो तो अंदर का कवरिंग टिश्यू कौन होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है ना, दैट इज एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है ना, और कवरिंग, ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग और कवरिंग और टिश्यू, ठीक है। उसके बाद ये कैसा एपिथेलियल होता है, ये होता है म्यूकोजल, कौन सा, म्यूकोजल, क्योंकि क्या होगा, म्यूकोसा, म्यूकस सिक्रीट करेगा, है ना, म्यूकोसल लाइनिंग। चलिए मैं यहां भी लाइनिंग लिखता हूं, क्योंकि इंटरनली लाइंड बाय है ना, लाइनिंग, म्यूकोसल लाइनिंग, और कैसा, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, देखिए मैंने यहां पे ग्लैंड बनाई ना, दैट इज अ ग्लैंडुलर, है ना, तो क्योंकि यहां पे क्या होती है, ग्लैंड सेल प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो तीन पॉइंट भी आपने याद रखने हैं कि सर ये एपिथेलियल लाइनिंग है, किस टाइप की, म्यूकोसल, क्यों, क्योंकि इसके पास ग्लैंड है, क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, क्लियर हो गया बच्चों। तो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है। आज हमने इस लेक्चर के अंदर यूट्रस को डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। मेजर जो पॉइंट है वो क्या है, तीन लेयर है, साइज है, एंटी फ्लेक्सोन है, इन सब बातों को बच्चों आपने याद रखना है, नोट्स बनाने हैं, और आप अपने नोट्स मुझे शाम तक आज भेजेंगे, ठीक है, सारे के सारे बच्चे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कल, उसके अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, यूट्रस के बाद कौन सा पार्ट आता है, दैट इज द वेजिना, वेजिना इज द बर्थ कैनाल, ठीक है। कलम स्ट्रक्चर ऑफ वेजिना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, दो टॉपिक कवर कराएंगे, और फीमेल जेनिटल ट्रैक जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही।